जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही देखा, सही पढ़ा कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को कैसे डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो मैंने ये दोनों किताब पढ़ा हुआ है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये इस दोनों किताब का जो दोनों किताब है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई जो ऑथर है, किस क्यों ना मैं आपको इस फीडबैक दूँ कि रिव्यू दूँ कि ये दोनों किताब कैसी है, राइट? ये दोनों जो किताब है इसका अगर आपको परचेस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रिच डैड पुअर डैड, ये जो किताब है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये करीबन मैंने 150 रुपये में आई गेस मैंने ख़रीदा हुआ था। सो ये जो दोनों किताब के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें आप अपने जो पर्सनल फाइनेंस है उसको डिसिप्लिन में ला सकते हैं, राइट? अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी सारे पेजेस है जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगी। सो मैंने कुछ पेजेस नोट डाउन करके रखी हुई है। सो अगर आप लोग चाहिए वो पेजेस नंबर तो मैं आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, वो पेजेस नंबर मैं आपको बता दूंगा जहाँ से आपको कुछ प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिलेगी, राइट? सो ये जो किताब है इसमें आपको जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो अपने बारे में बताते हैं, किस तरह वो अपने लाइफ एक्टिविटी किस तरह करते थे, अपने जो फर्स्ट बिजनेस उसने चालू किया था वो इलीगल था अमेरिका में। सो काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको सीखने को मिलेगी इस किताब में। मेरे को एक सेंटेंस जो काफ़ी दिलचस्प लगी, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, वो है जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। सो ये जो बुक है वन ऑफ दी जो फाइनेंस प्रोफेसर है जो फाइनेंस लेते हैं हम लोगों को यूनिवर्सिटी में, उसने रेफ़र किया था। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको स्टडी करूँ। सो स्टडी करने के बाद काफ़ी दिलचस्प लगी, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी पढ़ने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको सीखने को मिलेगी, राइट? सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। सो ये था रिच डैड पुअर डैड की किताब। और नंबर टू जो किताब मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, राइट? सो इस किताब में आपको करीबन आपको 250 रुपये में मिल जाएगी, मैंने 250 रुपीज़ में परचेस की थी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो इस किताब में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी टाइप की निवेश होती है, कैसे निवेश कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आपको आप सपोज़ 1000 आप निवेश करना चाहते हैं एंड कल वो 2000 हो जाए, कोई सीक्रेट फॉर्मूला इस किताब में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक पाथवे आपको दिखा देगा, एक ज़रिया आपको दिखा देगा जहाँ से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज आपको गेन हो जाएगी, कितनी टाइप का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होता है, कितनी टाइप का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होती है, कैसे आपको निवेश करना चाहिए, आपका पर्सनल जो फाइनेंस है वो कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट है जो आपको दिमाग में रखनी होगी, ये काफ़ी सारे चीज़ इस किताब के अंदर आपको मिल जाएगी। सो ये दोनों किताब मैंने पढ़ के एक चीज़ समझा कि आपको कुछ फ़ायदा हो या नहीं हो, लेकिन आप साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मान लीजिए सपोज़ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपने कुछ करियर गोल है या आप कुछ प्लान करने की सोच रहे हैं। सो हम लोग सब ये जनरल फॉर्मूला है कि हम लोग साइकोलॉजिकली पहले हम लोग को स्ट्रांग होनी पड़ती है, राइट? कुछ अगर सपोज़ हम लोग को कुछ करना है, राइट? सो हम लोग को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग तो होनी पड़ती है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस होने वाली है। सो ये दोनों किताब पढ़ के कुछ होना नहीं हो, लेकिन एक चीज़ तो मैं दावा कर सकता हूँ, आप लोगों से गारंटी कर सकता हूँ कि आप लोग साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। सो ये था दोनों किताब के बारे में। आपको कोई वीडियो कैसे लगे मेरे को प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।